एनबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली से लेकर केरल तक बवाल, जाने अब तक क्या क्या हुआ। गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कनेक्शन को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के बावजूद विभिन्न राज्यों और यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। दिल्ली से केरल तक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हो रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU और जामिया यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। JNU में बवाल, केंद्र सरकार बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद बीते गुरुवार को इसकी स्क्रीनिंग JNU में कराई गई थी। आरोप है कि इस दौरान बिजली काट दी गई और इंटरनेट सेवा बाधित की गई। इसके विरोध में छात्र संघ JNUSU ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वामपंथी छात्र संगठन वामपंथी दल स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और ISA के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। JNU प्रशासन इसकी स्क्रीनिंग पर पहले ही रोक लगा चुके हैं। JNU में पत्थरबाजी का आरोप, डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके। हालांकि ABVP ने इससे इनकार किया है। JNU छात्र संघ के नेतृत्व में वामपंथी छात्रों ने पत्थरबाजी की घटना। FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर पैदल मार्च भी किया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिखाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री, SFI ने गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई। इसके जवाब में ABVP ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार देवेश निगम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने छात्रों के समूहों की काउंसलिंग की है। उन्होंने कहा कि कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए और फिल्मों की स्क्रीनिंग करने से रोका गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट। इससे पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को अपने परिसर में दिखाया था। मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन रिपोर्ट मांग चुका है। बता दें कि फ्रेटर नेटिव मूवमेंट HCU यूनिट के बैनर तले छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के परिसर में रविवार को डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। केरल में कांग्रेस भी दिखा रही डॉक्यूमेंट्री। इससे पहले केरल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीते गुरुवार को आम जनता के लिए षणमुगम बीच पर विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उन्हें इस फिल्म को लेकर आम जनता का समर्थन मिल रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस पूरे राज्य में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने जा रही है। केंद्र सरकार लगा चुकी है प्रतिबंध। बता दें कि केंद्र सरकार इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर देश भर में पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले सभी YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्टों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर चुका है। विदेश में भी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना, बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री की विदेश में भी आलोचना हो रही है। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने इस पर असहमति जताई थी। सुनक ने कहा था, निश्चित रूप से हम उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे यह कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से कतई सहमत नहीं हूँ जो PM मोदी का दिखाया गया है।